समय पर नहीं होता है तो इन लोग फिर समय पर कैसे कर देता है। इन लोग का फिक्स है कि 5 साल में चुनाव होना ही है। अगर कहीं अगर उपचुनाव होता है, मतलब कि सत्ता गिर जाता है, कोई विधायक किसी तरह हो जाता है, तो 1 महीने में जारी हो जाता है। लेकिन अगर बहाली अगर देखा जाए तो 8 साल से, अगर देखा जाए तो 8 साल से बहाली होता है, बहाली नहीं होता है, रुका हुआ रहता है। और इसमें भी सेटिंग गेटिंग होता है, अगर किसी तरह अगर 100 पोस्ट है तो उसमें भी सेटिंग गेटिंग करके और बाहरियों को मतलब नौकरी देने काम करते हैं, और ये जो है चंदाखोरों को देने के करते हैं। बड़े बड़े मछलियों जो डेट दिया गया था कि यहाँ पे छात्र द्वारा एक प्रोटेस्ट रखा गया था कि जो चौकीदार का बहाली था उसको संभावित डेट नहीं दिया जा रहा, उसका वैकेंसी को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा था, उसको लेकर जो है छात्र नेता जोगेश भारती ने एक निर्णय लिया और सामूहिक निर्णय के बाद जो है ये सुभाष चौक तक आने का जो है निर्णय लिया था। लेकिन उससे पहले जो है रामगढ़ प्रशासनिक विभाग तरफ से डेट जो है संभावित डेट दे दिया गया है, लेकिन फिर भी वो आभार प्रकट करते हुए प्रशासनिक बल को और तमाम नेता लोग जो इनके साथ दिए उनको आभार प्रकट करने को लेकर यहाँ पे पदयात्रा करते हुए सुभाष चौक तक पहुँचे हैं। क्या कुछ बातें निकल के आ रही हैं इसको जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि क्या कुछ कहता है कि आंदोलन का जो डेट का आगाज़ किया गया था लेकिन उससे पहले जो है डेट शीट जारी कर देना, ये क्या संकेत दे रहा है इसको भी जानने का। जोगेश जी, जिस तरह से आप लोग एक प्रोटेस्ट रखे थे कि चौकीदार का बहाली को लेकर, उसको लेकर जो नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा, उसका डेट जारी नहीं हो रहा था, उसको लेकर आप लोग एक तरह से प्रोटेस्ट करने की सोचे थे, लेकिन आपके बैनर में कुछ चेंज नजर आ रहा है कि रामगढ़ उपायुक्त को आभार करते हुए, तो क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ चेंजेस हुआ, क्या आप लोग की बातों को सुन ले गया, इस वजह से आप लोग इस तरह का बैनर में चेंज किया? देखिए, सबसे पहले कि रामगढ़ जिला जो है इसका क्षेत्रफल 1341 जो है किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 125 पंचायत है रामगढ़ जिला में और 351 गांव है रामगढ़ जिला में, और करीब 9.5 लाख जनसंख्या रामगढ़ जिले में है। और इसी के बीच में एक जो है रामगढ़ चौकीदार के बहाली आता है, करीब देखा जाए तो बहुत दिनों 30-40 साल के बाद ये बहाली आया है। आने के बाद इसका फॉर्म अप्लाई करवाने के बाद ये जो है चुपचाप से ये मतलब कि बोल सकते एक तरह से चुपचाप ही हो गया था। अब पता ही ना, विभाग ऐसा चुपचाप कर दिया था इसको रामगढ़ चौकीदार बहाली के लेकर कि आदमी के दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। बहुत सारे छात्र भूल गए थे कि रामगढ़ चौकीदार बहाली निकला है या फिर नहीं निकला है, फॉरम हम अप्लाई किए हैं या फिर नहीं किए हैं। तो बहुत सारे छात्र जो है चेन्नई, मद्रास, महाराष्ट्र भी चल गए हैं, बेंगलोर भी चल गए हैं, आपका मणिपुर भी चल गए हैं, पश्चिम बंगाल भी काम करने के लिए चल गए, यहाँ रोजगार के लिए अप्लाई के लिए। लेकिन यहाँ 74 पोस्ट रामगढ़ जिला में आता है, आने के बाद फॉरम अप्लाई होने के बाद ये वैकेंसी चुपचाप जो है बैठ जाती, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि साइलेंट ले लेती यहाँ के प्रशासन के द्वारा, यहाँ के विभाग के द्वारा, और जो है इसका मुद्दा उठाने वाला कोई नहीं था। लेकिन झारखंड में हम देखे कि झारखंड के मुद्दा उठाते उठाते हम सोचे कि रामगढ़ चौकीदार का खुद हम बुक लिखे हैं, जो कि रामगढ़ चौकीदार का जब बहाली आया था तो उस समय खुद हम अपना बुक लिखे हैं कि रामगढ़ चौकीदार गाइड्स लिखे। उसके बाद हम सोचे कि बहुत दिनों से सोच रहे हैं इसका बहाली क्यों नहीं हो रहा भाई, चुनाव प्रक्रिया उपचुनाव भी हो गया, आपका ये चुनाव जो है अभी फिर होने वाला है। हम सोचे चुनाव हर एक बार सही समय में होता है, प्रत्येक टाइम में होता है, सही समय में होता है, शपथ ग्रहण होता है, विधायिका चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव, सब चीज़ सही समय पर होता है, लेकिन रामगढ़ चौकीदार क्यों नहीं बहाली किया जा रहा है। तो इसी के लेकर जो है हम जो एक विचार में लाए कि नहीं, 74 जो मजदूर है, जो गरीब किसान का बेटा है, शोषित है, पढ़े लिखे नजुवक है, आज वो दर दर भटक रहे हैं, तो हम सोचे क्यों ना इन लोग पर न्याय के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि इन लोग का अगर बहाली होता है तो हर एक पंचायत में दो दो है, किसी किसी पंचायत में एक है, किसी किसी पंचायत में नहीं है, तो हम सोचे अगर हो जाता है तो नजुवक का एक रोजगार हो जाएगा। इसी को लेकर हम लोग जो है SDO ऑफिस से हम 25 तारीख को हम परमिशन लेते हैं कि हम जो है रामगढ़ चौकीदार के लेकर कॉलेज गेट से, रामगढ़ कॉलेज गेट से सुभाष चौक तक इसका जो है महारैली रहेगा, तिथि डेट सहित आप निर्धारित कीजिए, अन्यथा हम लोग महा आंदोलन करेंगे। और इसी के साथ जो है जो रामगढ़ जो है उपायुक्त को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि मेरे आवाज़ों को रैली से पहले उनने संज्ञान में लिया, उसको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि आपने तो कह दिया कि आपके उपायुक्त महोदय ने जो है आपकी रैली से पहले ही काम कर दिया है, लेकिन और भी तो नौकरियां हैं, उसको जब अगर हम एक एग्जांपल लें तो जब वोटिंग का टाइम होता है तो उसको सही टाइम पे होता है, लेकिन देख लीजिए अगर PGD का बात कर लिए, SSC का बात कर लीजिए,
तमाम जितने भी झारखंड के सरकारी नौकरी हैं उसमें तो इस तरह का डेट शीट नहीं जारी हो रहा है, डेट से पहले हो रहा है। आप कह रहे हैं कि जिस तरह से रामगढ़ उपायुक्त ने आपके लिए काम किया, चौकीदार को लेकर किया, आप तो झारखंड के लिए काम करते हैं, झारखंड के वो सब मुद्दों अभी भी जो है रिक्त है, क्या कहिएगा उसको लेकर? देखिए, हम लोग लगातार JSSU टीम के माध्यम से, JBKSS एंड JSSU टीम के माध्यम से लगातार झारखंड में आवाज़ उठाते आ रहे हैं। कल आपने देखा कि PGT का जो चंदन कुमार रांची का JSSU टीम का अभी फिलहाल वहीं पर हुआ है, PGT का 500 नियुक्ति यानी कि कल जो है 500 अभ्यर्थी एक ही सेंटर से जो टॉप लिख लेते हैं और जो है 2413 पोस्ट आता है PGT में, 1000 नियुक्ति दे दिया जाता है तारा मैदान धुरुआ में। और जो है कल 3 तारीख को सारा चीज़ जो है पंडाल वगैरह बन के तैयार था, नियुक्ति पत्र बांटना था, लेकिन 3 तारीख को स्थगित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट का पावर है, जब जब जो छात्र बोला है राय सिंहासन डोला है, हमने झारखंड राज्य के साथ साथ चाहे 60-40 हो, चाहे झारखंड विधानसभा घेरा हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास घेरा हो, पूरे झारखंड बंदी हो या संस्थान बरगना से हम लोग देखे 60-40 का आह्वान किए थे, या चाहे रामगढ़, तो हम सोचे कि रामगढ़ में ही प्रोटेस्ट क्यों ना करा जाए, क्योंकि यहाँ के चौकीदार के जो अभ्यर्थी थे पलायन कर रहे थे, वहाँ से फोन कर रहे थे कि रामगढ़ चौकीदार के भैया सबका बाली हो रहा है, इनका क्यों नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से आए और आज जो है संज्ञान में प्रशासन लिया। और एक चीज़ आप लोग को बता रहे हैं, अगर प्रशासन जो है जुलाई में पूरा कंप्लीट करने के बात रही कि चौकीदार बाली होगा, अगर जुलाई में कंप्लीट नहीं करती यार, अगर हम लोग का मूर्ख बना रही है, ठक रही है, तो फिर पूरे रामगढ़ जिला हम इसके लिए बंद करेंगे आह्वान के लिए। अच्छा, क्या लगता है कि आपके जो चौकीदार की जहाँ तक बात आती है, तो रामगढ़ उपायुक्त ने आपके साथ जिस तरह से आभार व्यक्त किया है, तो क्या आप लोग का आंदोलन का देखते हुए ये सब किए हैं कि आप लोग उग्र आंदोलन ना करें इस वजह से, कि डर है कि क्या है, किस वजह से कि आपको लगता है कि आप लोग पॉजिटिव कुछ सोच रहे हैं इस वजह से किया है? देखिए, हम लोग का है कहीं ना कहीं बोले ना कि पहले जो है किसी का पता नहीं था रामगढ़ में, चाहे विधायिका हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे कोई भी हो, रामगढ़ चौकीदार के लेकर सन्नाटा था, दूर दूर तक इसका नज़र नहीं आ रहा था। आज ठीक इसी प्रकार जो है आज नज़र आया है कि मेरे आवाज़ के दम पर जो है पुलिस प्रशासन जो रामगढ़ टीम है वो एक्शन लिया। देखिए, बेरोजगार छात्रों के यहाँ क्या किया जाता है, चिलगम खाते हैं, चिलगम खाल के बाद क्या हुआ है कि जब तक स्वाद लागतो चिलगम के तब तक चेबते रहो, जब स्वाद खत्म हो जाए तो चिलगम के जब थूक दिए, से तरह यहाँ बेरोजगार छात्र के झारखंड में और रामगढ़ जिला में स्थिति बना दी जाते हैं। तो अब हमके चिलगम नहीं बनना है, अब जो है हम लोग अब दहाड़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे और बहाली में हम लोग सिलेक्शन होंगे और हम लोग नौकरी लेंगे। छात्र नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। JBKSS जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तमाम झारखंड के वो बेरोजगार युवाओं को क्या कुछ संदेश रहेगा, जिस तरह से आप लोग तमाम लोग जो है छात्र हित में लड़े हैं, चाहे जयराम जी की बात हो या देवेंद्र नाथ महतो की बात हो या जोगेश भारती की बात हो, आगे क्या कुछ कर रहे हैं? आप लोग तो पॉलिटिक्स में मूव कर चुके हैं, लोगों ने ये बहुत बड़े आप लोग में धप्पा लगाया कि लोग पॉलिटिक्स में मूव कर गए हैं, इस वजह से जो है इन लोग अब पॉलिटिक्स करने के लिए ये छात्र को ये जरिया बना रहे हैं। देखिए, एक चीज़ आपको बता रहे हैं पलटूदा, आपको बता रहे हैं कि 60-40 नियोजन नीति, जब नियोजन नीति 17 दिसंबर 2021 का जब रद्द हुआ था, उस समय हम लोग जो है पूरे झारखंड में विधानसभा 21 दिसंबर को घेरने का प्रयास किया था, उसी बीच में रामगढ़ उपचुनाव होता है, उसी बीच में चुनाव होता है, उसी से हम बोलते हैं जो मेरे आवाज से डिजिटल माध्यम से, जो न्यूज मीडिया प्रिंट मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से हमने ये बोला कि रामगढ़ उपचुनाव हो रहा है, इस चुनाव में क्यों ना छात्र ही बहाली हो। एक चुनाव जो हम लोग बहाली के रूप में देखे थे और 1000 छात्र का जो है आह्वान किए थे, लेकिन छात्र नहीं कर पाए क्योंकि 10,000 पैसा लग रहा था, रुपया लग रहा था, इसीलिए नॉमिनेशन करवाने में इसलिए नहीं कर पाए। लेकिन छात्रों को हम चुनौती दिए सरकार को कि आप नियोजन नीति नहीं बनाएगा तो रामगढ़ उपचुनाव में हमने हरा के दिखाएंगे, और वो चीज़ हमने किए और आज जो है हम बहाली के रूप में देखते हैं चुनाव। हम रेलवे के अप्लाई करते हैं, हम सचिवालय के अप्लाई करते हैं, चौकीदार के अप्लाई करते हैं, झारखंड पुलिस के सब अप्लाई करते हैं, लैब असिस्टेंट के अप्लाई करते हैं, फॉरम PGT का अप्लाई करते हैं, तो तमाम इन बहालियों पर हम लोग जब अप्लाई करते हैं और इस समय पर नहीं होता है
तो इन लोग फिर समय पर कैसे कर देता है। इन लोग का फिक्स है कि 5 साल में चुनाव होना ही है। अगर कहीं अगर उपचुनाव होता है, मतलब कि सत्ता गिर जाता है, कोई विधायक किसी तरह हो जाता है, तो 1 महीने में जारी हो जाता है। लेकिन अगर बहाली अगर देखा जाए तो 8 साल से अगर देखा जाए तो 8 साल से बहाली होता है, बहाली नहीं होता है, रुका हुआ रहता है। और इसमें भी सेटिंग गेटिंग होता है, अगर किसी तरह अगर 100 पोस्ट है तो उसमें भी सेटिंग गेटिंग करके और बाहरियों को मतलब नौकरी देने काम करते हैं, और ये जो है चंदाखोरों को देने के करते हैं, बड़े बड़े मछलियों जो है खरीद लेते हैं सिर्फ, तो गरीब किसान के बेटा कहाँ जाएंगे। इसलिए तमाम जितने भी है झारखंड के बेरोजगार छात्र, जागिए, उठिए और तब तक लड़िए जब तक आपको जीत नहीं मिलती है, जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती है, तब तक आप छोड़िए नहीं, उठिए, जागिए। एक नौजुवक हैं आप, पढ़े लिखे नौजुवक हैं, हम लोग के माँ बाप अनपढ़ इसलिए घर में रहते हैं, और चाहे थाना जाते हैं चाहे ब्लॉक जाते हैं तो उन लोग को डांट डपटा कर बैठा दिया जाता है और धमका कर उन लोग को डर के मारे नहीं जाते हैं। अरे हम लोग पढ़े लिखे नौजुवक हैं तो हम लोग सबसे टकराएंगे। कलम की ताकत पूरे दुनिया को झुका सकती है, एक तलवार की धार एक आदमी के कट सकते हैं, लेकिन कलम का जो इतना ताकत है कि दुनिया को हम झुका सकते हैं। पलटूदा बहुत बहुत धन्यवाद।